वेलकम स्टूडेंट्स। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने फर्स्ट और सेकंड लेक्चर अच्छी तरह से देख लिया होगा, पढ़ लिया होगा। तो आज एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि आउट ऑफ मोलैरिटी, मोलैलिटी एंड नॉर्मैलिटी, ध्यान दो तीनों चीज़ें, मोलैरिटी, मोलैलिटी एंड नॉर्मैलिटी, विच वन इज़ द बेस्ट मैथड टू एक्सप्रेस द कंसनट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। Molality is preferred over molarity and normality because normality and molarity involves volume which changes with temperature, whereas molality involves only mass which does not changes with temperature. Therefore, concentration remains same. तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो नॉर्मैलिटी और मोलैरिटी होती है उसके अंदर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन होता है जो कि टेम्परेचर से चेंज होता है। तो अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो वॉल्यूम भी चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज होगा तो कंसंट्रेशन भी चेंज होगी। लेकिन जो मोलैलिटी होती है उसके अंदर क्या होता है, मास ऑफ सॉल्वेंट होता है और मास जो होता है वो टेम्परेचर से चेंज नहीं होता, तो कंसंट्रेशन क्या रहती है, सेम रहती है। देयरफॉर मोलैलिटी इज प्रेफर्ड ओवर देम। थैंक्स।